एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज्योति कपूर। तो कैसे हो बच्चों? बच्चों आज हम करने वाले हैं डिवाइड का क्वेश्चन, जिसमें हम करेंगे डिवाइड एंड चेक द आंसर। डिवीजन तो इजी होती है, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आती है? कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जब हम क्वेश्चन फाइंड करते हैं, जब हम आंसर निकालते हैं, तो वहाँ ज़ीरो पुट करना भूल जाते हैं या समझ में नहीं आता कि ज़ीरो लगानी है या नहीं, और सीधा सिंपल डिवाइड करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। तो बच्चों आज मैं आपको वही बात बताने वाली हूँ कि कहाँ पर क्वेश्चन में ज़ीरो आती है, कहाँ पर आंसर में ज़ीरो राइट करते हैं, और साथ में हम करेंगे हाउ टू चेक द आंसर ऑफ डिवीज़न। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब हमारे पास क्वेश्चन है डिवाइड एंड चेक योर आंसर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 72,845 को हमें 9 से डिवाइड करना है। तो क्या करना है बच्चों, पहले हम अपना डिविडेंड बीच में राइट करेंगे 72,840। अब हम डिवाइजर राइट करेंगे 9। अब हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें अपना फर्स्ट डिजिट देखना है। फर्स्ट डिजिट हमारे बाहर वाले नंबर से अगर छोटा है तो क्या करना है, हमें दो डिजिट इकट्ठे ले लेने हैं। तो क्या है, अब 9 के टेबल में 7 तो आता नहीं, 7 सबसे छोटा नंबर है, तो दो नंबर इकट्ठे ले लिए, ये बन गया नंबर हमारा 72। अब देखेंगे कि 9 के टेबल में 72 या 72 से कोई छोटा नंबर आता है तो वो राइट करेंगे, 9 का टेबल राइट करेंगे हम, तभी पता चलेगा कि क्या नंबर आएगा। 9 5 = 45, 9 6 = 54, 9 7 = 63, 9 8 = 72, 9 9 = 81 एंड 9 10 = 90। अब बच्चों देखो कि 72 से छोटा या 72 ही नंबर हमारा आ रहा है 9 के टेबल में, कितने पर? 8 पर। तो हम लिखेंगे 9 8 = 72। अब हम इसको माइनस करेंगे, 2 में से 2 कट किया 0, 7 में से 7 कट गया 0। तो बच्चों अब यहाँ पर हमें समझने वाला है कि करना क्या है। नेक्स्ट नंबर हम ऊपर से उतारेंगे 8। अब देखेंगे कि 9 के टेबल में 8 आता है या नहीं, नहीं आता, क्योंकि 9 8 से बड़ा नंबर है। तो हमें क्या करना है, दूसरा नंबर भी साथ उतारना होगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम 0 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 0 = 0, यहाँ आएगा क्वेश्चन में हमारा 0। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्मॉलर नंबर है, और अगर हमें दो डिजिट इकट्ठे उतारने हो तब भी हम यहाँ 0 राइट करेंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमने 8 उतारा तो 8 9 से स्मॉल नंबर है, तो क्या कर देंगे, 9 0 = 0, दो इकट्ठे नंबर मत उतारना, पहले एक नंबर को सॉल्व करना, अगर वो उस टेबल पे नहीं आता तो हम 0 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, 0, 9 0 = 0। उसके बाद अब हम माइनस करेंगे, 8 में से 0 गई 8, और अब ऊपर से हम क्या ले लेंगे, नंबर 4, ये बन जाएगा 84। तो बच्चों 9 के टेबल में 84 से छोटा आता है, 9 9 = 81, माइनस करेंगे, 4 में से बन गए 3, और अब हम ऊपर से क्या नंबर ले लेंगे, 5, क्योंकि पहले इसको माइनस करके 3 आ चुका है, और एक डिजिट हम उतार सकते हैं, एक डिजिट हम इजीली उतार सकते हैं, दो डिजिट इकट्ठे उतारने हो जहां पर, वहां हम क्या पुट कर देते हैं, 0। फिर आएगा अब 9 के टेबल में 35 से छोटा बच्चों नंबर आता है हमारा 27, 9 3 = 27, अब इसको माइनस करेंगे, 5 में से 7 निकट हो सकता है, इधर से बोरो लेंगे 15, यहाँ रह जाएगा बच्चों हमारा 2, 15 में से 7 गए 8, अब हमारा ये हो जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है हमारे पास, और जो नंबर बच गया वो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। तो ये था हमारा डिवाइड का सम। अब हमें क्या करना है, इसको चेक द आंसर। चेक कैसे करना है बच्चों, चेक का फॉर्मूला क्या है, हमारा चेक का फॉर्मूला है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम आर भी राइट कर सकते हैं, डिवाइजर को डी राइट कर सकते हैं, डी मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा क्या है, चेक करने का, डिवाइड के सम को चेक करने का फॉर्मूला। तो बच्चों क्या करना है हमें, अब रूल वाइज चलेंगे। पहला नंबर है डिवाइजर, डिवाइजर हमारा क्या है, 9, तो क्या राइट करेंगे, 9 मल्टीप्लाई क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों,
क्वेश्चन होता है ये हमारा जो हमारा आंसर आता है उसे हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन। 8093 हमारा क्या हो गया क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है बच्चों, जो लास्ट डिजिट हमारे पास बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। इट मींस 8 हमारा क्या हो गया रिमाइंडर, उसे क्या करना है प्लस। पहले डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसे हमें 8 से प्लस करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, 8093 को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 3 27 टू कैरी, 9 9 81 और 2 83 8 कैरी, 9 0 0 and 8 8 का 8, 9 8 72, ये आ जाएगा हमारा नंबर 72837। अब क्या करना है, अब बच्चों 9 को 8093 से प्लस करने पर हमारा सॉरी मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आया 72837। अब फॉर्मूला के हिसाब से हमें 8 से क्या करना है इसको प्लस। इट मीन 72837 प्लस 8, तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 72837 और 8 हमारा क्या हो जाता है 45। अब देखें जो हमारा ये आंसर आया है और जो हमारा डिविडेंड आया है बिल्कुल करेक्ट सेम नंबर है। तो इट मींस जो डिवाइड हमने किया है यहाँ क्वेश्चन में हमने जीरो डाली थी तो उस हिसाब से हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हमारे पास सिंगल डिजिट बच जाता है और छोटा नंबर होता है वो डिवाइजर से, तब क्या करने हैं उस नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो राइट करेंगे और फिर दो नंबर इकट्ठे राइट करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो बच्चों ये था डिवाइड का सम विद चेक योर आंसर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।